स्टूडेंट माय सेल्फ नेहा चंद्राकर फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज सबग्राफ एंड कॉम्प्लीमेंट. नाम से ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सुना सुना है. इसमें बस सब यहाँ पे सबका है. यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको ग्राफ मिल रहा है. जैसे कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाया हमने, वैसे ही ये भी है. ये इसमें हो जाएगा ग्राफ में हो जाएगा, है ना. बाकी कंटेंट वही रहेंगे, वही मेथड है आपका, है ना. उसमें जो है सबसेट जब हम पढ़ते हैं, सेट क्या था हमारा, हम इसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वही नई चीज़ें आपको रिपीट करेंगी. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका एल्जेब्रा पोर्शन में हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो है आपका सेट में हो, तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट होती है. अगर आप जो बेसिक थोड़ा सा भी जान गए उसके बारे में, तो वही कनेक्शन रिलेट करके आप दूसरे में भी कर सकते हैं. उससे ये काम से बहुत ईजी हो जाता है. यहाँ जैसे हमने चेक करा था, जिसमें जो एलिमेंट होते हैं, कैसे एलिमेंट होते हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट होते हैं, उन सभी का क्या होता है, उसमें कनेक्शन होता है ना. जैसे कि सेट ए हो गया, जिसमें मैंने ए बी सी एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे जब सेट है ना, ये जो ए है उसका जो कनेक्शन है उसको क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक सेट बोलेंगे, सेट ए बोलेंगे. तो यहाँ पे होगी एक सेट की बात होगी. अब यहाँ पे जो है सबसेट अगर मैं देखूँ, तो सबसेट क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं इसमें मैंने एक जो है सेट ले लिया बी, है ना. और ये जो बी है वो क्या करता है, उसी एलिमेंट को कंटेन करता है जो एलिमेंट ऑलरेडी किसका है, ए का है, है ना. जैसे कि बी और सी जो एलिमेंट्स है वो है सेट बी, तो यहाँ पे जो बी है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, ए का, क्योंकि ए के एलिमेंट को ऑलरेडी क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे ही हो गया सबसेट की बात. अब हम देखते हैं सबग्राफ को. देखते हैं सबग्राफ को, पता है कि क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है किसका, वर्टाइसेस और एजेस का. तो यहाँ पे जो सबग्राफ को जब पढ़ते हैं, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन में. लेट जी इज इक्वल्स टू बी ई, ये ग्राफ, अ ग्राफ जी डैश री डैश री डैश. यहाँ पे घर से बोल दिया गया कि कोई ग्राफ है, क्या है उसमें, जी इज इक्वल्स टू बी, ऑर्डर्ड पेयर होता है वर्टाइसेस और एजेस का, बी ए ग्राफ, अ ग्राफ. वैसे ही हम जो है एक अनदर ग्राफ में भी क्या है, जी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश एंड बी डैश ई डैश, है ना. दोनों का एक अदर जो है ग्राफ में दिया है वो क्या है, डैश डैश में दिया है. इज अ जी डैश. तो जो जी डैश है वो किस कंडीशन पे जो सब ग्राफ होगा, यहाँ पे आप
आप देखेंगे जो नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स है वो कितने हैं, वही है B1, B2, B3, B4 and B5। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंडिंग क्वार्टाइल्स है वो ए5 आपको दिख रहा है, वो है ऑलरेडी इसमें। साथ ही साथ इसमें जो कुछ पोर्शन है, कौन सा पोर्शन आया है, दीवार पोर्शन, आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल है वाला दिख रहा है और दीवार पोर्शन है। वैसे हम और भी सब ग्राफ निकाल सकते हैं, चाहे तो मैं ये वाला ले सकती हूँ, है ना, ये करके यहाँ पर से ये वाला ले सकती हूँ। तो जरूरी है कि यही इसका सब ग्राफ हो, और भी आप इसका सब ग्राफ निकाल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। बस आपको जो है वर्टाइसेस का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पर से वो एंड हो रहा है वहीं पर से आपको उसमें भी दिखाना है। तो जो जी डैश है वहाँ पे क्या हो गया, जी का सब ग्राफ हो गया, पूरा पूरा ग्राफ ही नहीं निकाला है, सब कुछ पार्ट। जैसे कि हमने देखा कि बी जो है ए का क्या था, सब्जेक्ट था, क्यों, क्योंकि जो बी है वो जो है ए के एलिमेंट्स को है कंटेन कर रहा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वही पार्ट है जो ए इसमें जी में ऑलरेडी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश है वो क्या होगा, उसका सब ग्राफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइनिंग सब ग्राफ की, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब ग्राफ जी डैश इज इक्वल टू बी डैश ई डैश पेयरिंग ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ प्रोडक्शन ए डैश ऑफ अ सब ग्राफ जे इज इक्वल टू बी ई इज सेड टू बी अ स्पाइनिंग सब ग्राफ इफ ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ जी आर प्रेजेंट इन द सब ग्राफ ऑफ जी डैश। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सब ग्राफ है ना जी डैश जो है सब ग्राफ किसका, जी का, अगर वो जो है सभी क्या बोल रहा है प्रेजेंट ऑफ दी क्या बोल रहा है सब ग्राफ इन ऑल दी वर्टेक्स ऑफ जी आर प्रेजेंट इन द जी डैश, वो सभी ये जो है जी डैश में भी हो, तब जाकर के क्या बोल रहा है वो सब ग्राफ स्पैनिंग सब ग्राफ कहलाएगा। फर्स्टली यहाँ पे आप ध्यान देंगे एवरी ग्राफ इज इट्स ओन सब ग्राफ, यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे कि बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्राफ जानते ही हैं कि जो प्रत्येक जो सेट होते हैं वो तो अपने आप में क्या होता है सबसेट होता है। वैसे ही यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे तो एवरी ग्राफ इज अ इट्स ओन सब ग्राफ, प्रत्येक जो ग्राफ होता है वो क्या होता है अपने आप में ही क्या होता है सब ग्राफ होता है, अपना एक सब ग्राफ बनता ही है। सेकेंड बोल रहा है सब ग्राफ ऑफ ए सब ग्राफ ऑफ जी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी, ठीक है, एक सब ग्राफ ऑफ सब ग्राफ है वो ऑलरेडी उस जी का क्या होगा सब ग्राफ ही होगा। सपोज आपको अपने एक पर्सन बताया कि ये तो हो गया ग्राफ में, आपको इस सेट में ये बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा, ये मेरे पास एक क्या हो गया सेट ए हो गया। अभी हमने देखा तो क्या है कि एक अनदर सेट में दे दिया बी जो कि सबसेट है किसका ए का, ठीक है, अब मैं बी का एक और सबसेट लेती हूं सी, है ना, बी इज सी सबसेट ऑफ बी। तो यहां पे आप देखेंगे कि सी जो है ऑलरेडी क्या है यहां पे क्या हो जाएगा सी इज आल्सो इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये कहाँ से हुआ, ट्रांजिटिविटी रिलेशन, जैसे कि आप मैंने पहले बताया था ट्रांजिटिविटी रिलेशन में जो ए अगर रिलेट कर रहा है बी से और बी अगर रिलेट कर रहा है किससे सी से तो ए जो है आपस में क्या करता है रिलेट करता है सी से। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि ए बी जो है ए का सबसेट है और सी जो है बी का सबसेट हो तो यहाँ पे जो सी है वो ए का भी सबसेट होगा। तो यहाँ पे वही पॉइंट बोला जा रहा है अ सब ग्राफ ऑफ सब ग्राफ ऑफ जी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी डैश, ठीक है आपका सिंगल वर्टेक्स इन जी टुगेदर विद इट्स एन वर्टेक्सेस इज आल्सो अ सब ग्राफ ऑफ जी। सब ग्राफ में क्या होता है बोल रहा है कि सिंगल जो एजेस होता है ग्राफ में वो क्या होता है साथ में जो मुझे एंडिंग वर्टाइस है उसके साथ में होता है, इससे आपको ध्यान रखना है जो सिंगल अगर वर्टाइस आपको मिलेगा तो ये चार जो कंडीशन आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये आपको याद रखना है किसके लिए स्पैनिंग सब ग्राफ के लिए, उसमें जो है सब ग्राफ होने के लिए स्पैनिंग सब ग्राफ होने के लिए सब ग्राफ तो चाहिए साथ ही साथ ये जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि सब ग्राफ में कभी कभी ये होता है कि वो अपने आप का जो यहाँ पे क्या मिलेगा पूरा पूरा सेट नहीं होता है वो के कुछ पॉइंट ही रखते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को आपको ध्यान देना है स्पैनिंग सब ग्राफ में। थर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब ग्राफ, जैसे कि सेट में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट वो क्या था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में जैसे कि मेरे पास सेट हो गया ये मैंने ले लिया है यू क्या है यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया है और इसे मैंने सेट ले लिया है क्या लिया है ए जो कि सबसेट है इसका यू का मींस ए इज सबसेट ऑफ यू हो गया। फिर आप देखते हैं कि हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा क्या करेंगे इस पूरे सेट में अगर मैं ये जो सेट ए है उसको
डिफरेंस निकालो है नहीं भाई, सेपरेट करने पर क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, तो ये ही होता है उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट। तो ये हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर में है ना। तो ये आपका हो जाता है, तो उस पूरे हम क्या करते हैं उसको सबट्रैक्ट करते हैं स्ट्रक्चर पार्ट को, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। बस यही काम किस पे भी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब ग्राफ में। लेट जी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश पी डैश बी आर सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ जी इज इक्वल्स टू बी। मान लेते हैं मैं वेन डायग्राम बता देती हूं, ग्राफ में बता देती हूं यहां पे। ये हमारा एक ग्राफ है जी है ना, उसमें यहां पे मैंने एक जो है सब ग्राफ कर लिया जी डैश। अब जो है यहां पे जो मैं निकालूंगी है कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसको मैं अगर करती हूं ये डबल डैश से, तो ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ होगा। फिर से हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट जी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ई डैश है ना, ए क्या होगा बी ए सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ जे इज इक्वल्स टू बी ई। ए ग्राफ जी इज इक्वल्स टू यहां पे होता है डॉटेड पेयर ऑफ व्हेयर टाइम्स एंड एजेस है ना, उसका एक सब ग्राफ हो ये जी डैश है ना, जिसमें बड़ा नंबर ऑफ क्या है हमारे पास 48 वीडियोस है और सेट क्या है हमारे पास ये एजेस का ई डैश है। तब जो है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ जी डैश, तो जो है जी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होगा कॉम्प्लीमेंट सब ग्राफ को क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ जी, किसके रेस्पेक्ट में ग्राफ के रेस्पेक्ट में जी के रेस्पेक्ट में इस सब ग्राफ ऑफ जी डबल डैश को हम डिनोट करेंगे किसे जी डबल डैश, जहां पे जो यहां पे जो ऑर्डर पेयर है वर्टाइस और एजेस का वो है डी डबल डैश और यहां पे है ई डबल डैश। वेयर ई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई माइनस ई डैश, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्या करना है पूरे में हमको क्या करना है ये वाला पार्ट अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ये पोर्शन जो है वो निकल जाता है। बस ग्राफ में भी वही काम किया गया है कि पूरा वो जो ओरिजिनल है वो ग्राफ का क्या था ये वर्टाइसेस है सॉरी एजेस नंबर सेट ऑफ एजेस था हमारा ई, उसमें हमने क्या किया जो सब एजेस है उसको सबट्रैक्ट कर दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया। वैसे ही हम जो है बी की बात करेंगे बी डबल डैश बन जाएगी ओनली की वर्टाइसेस विद द एजेस इन ई आर इंसिडेंट, तो यहां पे जो है हमारे पास ग्राफ निकल जाएगा और इसमें वही जो एजेस रहेंगे आपको ध्यान रखना वर्टाइसेस वही रहेंगे ठीक है, वर्टाइसेस आपको वही मिलेगी। एजेस का बस ध्यान रखना है कि कुछ कुछ एजेस वहां पे नहीं मिलेंगे है ना भाई, क्योंकि वो जो है जो प्योर ग्राफ में जो एजेस है वो जो है सब ग्राफ के इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो वहां पर से क्या मिलेगा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। आपको ये एग्जांपल देख के अच्छे समझ में आएगा ए ए बी और ए सी, मैंने 300 ग्राफ यहां पे क्या बनाया है ग्राफ बनाया है जिसमें हमारे पास कितने वर्टेक्स है ए बी सी डी ई है, हमारे पास जो 5th वर्टेक्स है ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया 5th वर्टेक्स हो गया। अभी हमें ध्यान दीजिए हमारा ओरिजिनल ग्राफ हो गया, अब इस समय एक सब ग्राफ बनाते हैं कोई भी यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि एक ब्रांचेस आप निकाले ये भी एजेस है और भी एजेस है जहाँ पे वो एंडिंग वगैरह होने चाहिए। तो ये मैंने जो इसका सब ग्राफ जो मैंने ले लिया है बी को ले लिया है जी लिया है और यहाँ पर ये पोर्शन ले लिया है ठीक है ई जी एफ ई एफ ई एच एच डी ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया है मीन्स आपको ये दिख रहा है ये पोर्शन मैंने लिया तो ये क्या हो गया सब ग्राफ हो गया, इसका पार्ट ही है तो ये हमारा निकल गया सब ग्राफ ये हो गया। अब हमको क्या करना है ओरिजिनल ग्राफ में अगर मैं सब ग्राफ को क्या कर दू सबट्रैक्ट कर दू है ना हटा दू उसको जो बाकी बचे हुए जो एजेस है उसको मैं ले लू तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ। तो इसमें कौन कौन से पार्ट बचे हैं ए टू बी का बचे है बी से ए मैंने छोड़ने के लिए देखिए मैंने बनाया बी से ए और ए से यहाँ पे मिल रहा है आपको एफ के लिए, फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बी से सी के लिए सी से डी के लिए और यहाँ पे जो है ये वाला लाइन है जी से एच के लिए, तो ये क्या हो जाएगा यही हमारा सी है वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। ताकि उससे क्या मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब ग्राफ क्या होता है ग्राफ में, स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है और साथ ही साथ हमने
देखा इसका जो है कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं आपको जो है सेट के जो सेट आपने थ्योरी पढ़ा था ना सेट थ्योरी उससे जो है आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप बेसिक पकड़िए ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाइए। और इसके लिए आप जो है डेली रीड करते रहिए विद फ्रेंड डायग्राम। अगर आप उसको पढ़ते जाते हैं जैसे स्ट्रक्चर और बोले अलजेब्रा में तो आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। आगे आप जो है बढ़ते जाइए। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स और एजेंसी मैट्रिक्स के बारे में। अभी के लिए थैंक यू।